हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मैकडॉवल की तरह स्ट्रॉबेरी फ्रेक शेक, बहुत ही डिफरेंट सा। देखिए, मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लिया है। जितनी क्वांटिटी का आपको शेक बनाना है उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रॉबेरी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपके पास स्ट्रॉबेरी नहीं है तो आप स्ट्रॉबेरी क्रश भी ले सकते हैं। इस समय सब फ्रूट की सीजन है, ठंड में सारे फ्रूट्स मिलते हैं, तो मेरे पास सारे फ्रूट्स होने की वजह से मैंने स्ट्रॉबेरी डालना पसंद किया। इतनी सी स्ट्रॉबेरी को हमें फाइन सा सारी स्ट्रॉबेरी को फाइन सा चॉप कर लेना है। मैंने ये लिया है वेट में 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और स्कूप में देखेंगे तो मैंने 4 स्कूप लिया है। इसमें मैंने फाइन कटी हुई स्ट्रॉबेरी को डाल देना है ताकि इसका और भी अच्छा फ्लेवर आ जाए। इसमें हमें डालना है, जितनी हमने आइसक्रीम डाली है उससे आधा हमें इसमें दूध ऐड करना है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है, इसमें आइस की नीड नहीं है। ये विदाउट आइस हमें शेक बनाने होते हैं, जो थिक शेक होते हैं उसमें हमें आइस की नीड नहीं होती है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्सी में फेंट लेना है। हमने इसे ग्राइंड किया तो ये काफ़ी थिक सा शेक बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसे ग्लास में पोर कर देना है। ये देखिए, मैंने सारे स्ट्रॉबेरी को अपने ग्लास में पोर कर दिया है। ऊपर से हम व्हिपिंग क्रीम से हल्का सा इसमें, इस ग्लास को और भी टेम्पटिंग सा बनाने के लिए हमने एक ऊपर से व्हिपिंग क्रीम लगा दिया। और अब हमारा स्ट्रॉबेरी फ्रेक शेक बनके तैयार हो गया है। इसे आप अपने घर पे बनाइए, अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल्स किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक हम पहुँचा सकें।